यहाँ करके देखते हैं। डी पे डाल दिया वापस। ललवाया था मैंने, अब एक डंडा खत्म भी हो गया। जनरली मैं हाफ टैंक रखता ही रखता हूँ, बट ये ना यार इतना इशू हो रहा है ना इसकी एवरेज का सिटी के अंदर, स्पेशली हाईवे में वो कोई तकलीफ नहीं है। ये साले जूते मैं भूल ही गया था कि मेरे पास ये जूते पड़े हैं, मैं इनको पहन लूँ, याद ही नहीं रहता दिमाग में काफ़ी चीज़ें। सो हे गाइस, मतलब वेलकम बैक टू द चैनल जिम वाले हैं, और वेलकम टू द ब्लॉग, जो मर्जी समझना समझ लो। आज थोड़ा सा ना मूड सही नहीं है, मतलब मेरे चेहरा देख के समझ आ रहा हो कि मैं बिल्कुल सही हूँ, बिल्कुल तरोताज़ा, बिल्कुल फिट हूँ, नज़ारेदार हूँ, बट ना मैं बड़ा नाराश हूँ कि यार होता है कभी कभी मज़ा नहीं आता, बोर मारता है, ऐसा लगता है कि यूट्यूब बंद ही कर दो, अभी चलाओ मत। आई थिंक वो ऑयली लग रहा है मेरा, सनस्क्रीन लोशन लगाया, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा लगता है ना, कभी ऐसा लगता है चैनल बंद ही कर दो, चलाओ ही ना, ज़रूरत ही नहीं अब चलाने की। तो फिर मैं सोचता हूँ कि यार इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ तो उसको लगे रहने दो। वो कहावत है ना, कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस, तो जो की है ना हम एक साल से चला ही रहे हैं, बट कुछ लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये समझ नहीं आता क्यों ऐसा होता है। तो मेरे को जाना है H&M कपड़े देने, नहीं फिट आए तो दे दिए वापस, क्या कर सकते हैं। 30 दिन का होता है, गोवा जाने से पहले लिए थे, तो अभी 3-4 दिन बचे तो मैं वापस कराता हूँ, और बाकी की बातें बाहर जाके करेंगे। अभी थोड़ा सा गर्मी में नहा के निकला, फ्रेश हुआ तो थोड़ा सा ना शांति रहे, और ब्रेकफास्ट भी आज मैं भूल गया क्योंकि कल से ना दिमाग में बड़ा कुछ चल रहा है, वो सब हम गाड़ी में बातें करेंगे। ओके, गाड़ी को मैं जितना बचाना चाहूँ ना उतनी ही लग जाती है, पता नहीं कहाँ लगी है, गोवा में लगी थी, समझ नहीं आया कहाँ लगी है, भगवान ही बचाए, बेचारे के साथ क्या क्या होता है, मेरे को डर ही लगता है कभी कभी, और रोज़ उठ के ना वो क्रॉस चेक मारना पड़ता है, इतनी प्यारी गाड़ी नज़र लगी जाती है लोगों की। अच्छे से लगा दी ना उन्होंने, जो मेरा दिमाग ख़राब होता है मेरा ना इसको देख के, बताता हूँ क्या रीज़न क्या है, ये लगाए नहीं है, ये निकालने वाले हैं, गाड़ी मुड़ती ही नहीं है सही से, पहले तो बड़े आराम से घुस जाती थी, अभी जैसे ही डालो अंदर टी सेंसर ही उसके बेचारे पागल हो जाते हैं। तो ये सीन क्या हुआ था कि इस बिल्डिंग का OC नहीं था, मतलब कुछ होता है OC, मतलब ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेशन कुछ तो होता है, मेरे को प्रॉपर नाम नहीं पता अभी, तो वो मिला नहीं हुआ था। तो BMC वाले जो जो आपने बिल्डिंग में प्रॉमिस किए होते हैं वो बनाने पड़ते हैं आपको, अलॉटमेंट होती है, लाइक जैसे क्लब हाउस हो गया, फिर यहाँ ये जो गाड़ियाँ ऊपर नीचे करने का। तो मैंने एक दिन अपने सुपरवाइजर को पूछा, मैं क्या सीन है भाई ये, तो वो बोलता भाई अभी थोड़े दिन के लगा रहे हैं, 6 महीने बाद निकाल देंगे, सिर्फ BMC को दिखाने के लिए। बताओ यार, उतने में गाड़ियाँ निकालना डालना इतना मुश्किल हो जाता ना, समझ नहीं आती। गर्मी बाहर का तापमान है 35 डिग्री, बाप रे 35 डिग्री, फिर भी बेरेबल है। अभी 1 बजे, 3 बजे तक देखना, 3 बजे तक खतरनाक टेम्परेचर हो जाता, कल तो 40 चला गया था, और अभी आई थिंक आज न्यूज़ में बता रहे थे कि इंडिया 50 डिग्री तक हिट करेगा कई देश शहरों में। अब वो कई शहरों में अपना मुंबई शहर भी होगा, तो हमारा तो कल्याण हो जाएगा भाई। तो कल मैं यहाँ पे गया था वॉक्सवैगन के शोरूम में, तो उनसे पूछने के लिए कि सबको पता है वॉक्स में पोलो डिसकंटिन्यू हो चुकी है, ऑलमोस्ट 400 या 400 साढ़े 400 गाड़ियाँ बची हैं, जो लोग लेजेंड नाम से बना के बेच रहे हैं कि पोलो लेजेंड, ये आखिरी सलाम है अब यूथ को, यूथ ख़त्म हो चुका है अभी। तो मैं वैसे चला गया, मैंने उनको बोला कि यार मेरे को एक बात बताओ कि इसका जो नया वाला 2022 का बम्पर आया ना रियर और बैक का, रियर और फ्रंट बैक, रियर बैक एक ही चीज़ होती है सारी, तो वो मैंने कहा मेरे को बताओ कि मैं घुस गया अंदर, मैंने गाड़ी पार्क की, मैं बोला बम्पर चाहिए, बोला सर हम तो गाड़ी बेचते बम्पर नहीं बेचते, आपको बम्पर के लिए वर्कशॉप जाना पड़ेगा। तो फिर मैंने बंदे को पूछा कि मेरे को नंबर दे दो वर्कशॉप का कोई, कि जहाँ से मैं पोलो का जो है थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करवाया जाए आगे चल के, अभी अपना थोड़ा सा काम वाम ठीक चल रहा है, मतलब कि जहाँ से आमदनी आती है थोड़ी थोड़ी अच्छी आना शुरू हो रही है अभी, तो आगे भी आ जाएगी। एक तो बहुत काम पड़े, एक तो टायर डलवाने इसके ट्रिप से पहले अगले, अब सिग्नल हो गया कि नहीं हो गया, अरे भाई को भरोसा नहीं होता इन लोगों का, बिना सिग्नल के निकल पड़ते हैं। तो मैंने कहा कि तब तक शायद मैं टायर भी डलवा लूँगा, और अगर अच्छे से खासे पैसे आ गए तो बम्पर भी चेंज कर लूँगा, क्योंकि गाड़ी तो बंद हो रही है, तो हम अपनी गाड़ी को बेचेंगे तो नहीं, बिकॉज ये गाड़ी 1.2 लीटर GT TSI इंजन है, DSG गियरबॉक्स है, और DSG गियरबॉक्स 2021 और 22 वाले मॉडल में नहीं आता, अभी क्यों नहीं आता वो मेरे को नहीं पता, बट DSG गियरबॉक्स में जो गाड़ी का फील है ना भाई, जो वैन उठाती है गाड़ी पिकअप, और S मोड पे तो भाई मतलब कि नज़ारेदार फील। तो मैं वही प्लान कर रहा हूँ मॉडिफिकेशन करवाने का, ज़्यादा कुछ नहीं, एक तो देखो गाड़ी पुरानी है तो एक तो पेंट जॉब करवाना बहुत ज़रूरी है इसमें,
क्योंकि वो मैंने एक यार ब्रोडो मोटिव करके एक चैनल है यूट्यूब पे, भाई क्या डिटेलिंग करते हैं गाड़ी, क्या पेंट जॉब करते हैं, मतलब लोग 15-15 साल पुरानी गाड़ी लेके आए उनके पास और उन बंदों ने भाई गाड़ी को ऐसा बना दिया कि अभी शोरूम से बाहर निकली है। तो मैं वही सोच रहा हूँ, क्योंकि आप बम्पर लोगे, बम्पर तो आपको ब्लैक मिलेगा, बम्पर आपको कलर नहीं मिलता, तो बम्पर आपको करवाना पड़ता बाद में। तो उस बंदे ने मेरे को एस्टिमेशन बताया कि आपको 50,000 रुपये लेगा बम्पर और पेंट के साथ, और बोलता 19-20 फर्क तो रह ही जाता सर पेंट में, आप चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो। फिर मैं वही सोच रहा हूँ कि अभी रुक जाऊँ, ये अपना हिमाचल वाला ट्रिप जब भी मेरा प्लान बन रहा है वो करके ख़त्म करके आऊँ, फिर बनाऊँ, बहुत कन्फ्यूजन है। और ऊपर से जब फिर यूट्यूब पर रिस्पॉन्स नहीं आता, आप जैसे लोग प्यारे प्यारे लोग जब सब्सक्राइब नहीं मारते ना, तो और दिमाग ख़राब हो जाता है मेरा। पर क्या मतलब, मैं जानना चाहता हूँ प्रॉब्लम क्या है भाई, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है भाई। ये तो छोड़ो, जो लोग मेरे को ऑलरेडी फॉलो करते हैं ना, मतलब इंस्टाग्राम पे 200-250-300 बंदा स्टोरी रोज देख लेता है, वो लोगों के भी व्यूज़ नहीं आते भाई, वो लोग तो देखते ही नहीं है, उनके कमेंट तो छोड़ो, जान दो बड़ी दूर की बात है। लोग मतलब कि क्या बोलें इसको, जेलस फैक्टर बोलें क्या बोलें, मतलब देखो एज अ क्रिएटर लोग बोलते हैं ना पॉजिटिव बातें करो, कभी कभी क्या होते हैं नेगेटिव बातें भी करना बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी ऑडियंस क्या देख रही है क्या नहीं कर रही है, जब खुद के बंदे नहीं कर रहे तो बाहर के बंदे कहाँ से करेंगे। तो इसलिए ना यार मैं बड़ी समाज सेवा करता था, लोगों को शेयर कर दिया, ये कर दिया, भाई क्या कंटेंट है, वो कंटेंट है, वो मैं भी करता हूँ, बट कहीं कहीं वो ऐसा लगता है कि यार ज़्यादा अच्छा बनना भी ना इस दुनिया में सेहत के लिए हानिकारक है, दुनिया बड़ी तो साला गाड़ियों की एवरेज वैसे ही कम है, और ऊपर से जब ट्रैफिक हो जाता ना तो गाड़ी और मरने लग पड़ती है बेचारी। मैं एक बात बोलूँगा, मैं गाड़ी को बिल्कुल जर्मन टेक्नोलॉजी भाई मैं तो फ़ैन हूँ, मतलब एक हिसाब बताऊँ इस गाड़ी का, इस गाड़ी ने कभी धोखा नहीं दिया मेरे को, कभी नहीं धोखा, टच वुड, भगवान करे आगे भी धोखा ना दे भाई, नज़र मत लगा देना कोई, प्यार से मतलब दुआएं देना। मैं वही सोच रहा हूँ कि ट्यूनिंग व्यूनिंग भी करवाऊँ अभी गाड़ी के, जब नेक्स्ट मतलब ट्रिप के बाद मेरी सर्विस हो, तो अभी ये स्टॉक है, पूरी गाड़ी स्टॉक है, इस गाड़ी में कुछ भी नहीं छेड़ा मैंने, इंजन को कुछ भी नहीं किया हुआ है, तो थोड़ा सा भी इसको रखना ज़िंदगी और अपने साथ, मतलब दिल के बहुत करीब हो चुकी है गाड़ी भाई, ये होता है प्यार हो जाए प्यार तो बंदा मतलब बंदी छोड़ता ही नहीं है, तो जमवाल ये गाड़ी छोड़ेगा ही नहीं अब इसी बात पे। पोलो जितने पोलो लवर्स है ना, लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। और जो ये लोग बोलते हैं ना, मैंने कई बार यूट्यूब पे वीडियोस देखी कि भाई बंदे बात कर रहे होते हैं कि यार पोलो जीटी में ये प्रॉब्लम है, पोलो में ये इम्प्रैक्टिकल गाड़ी है, ये वो सो। अबे यार तुम लोग पहले एक बात बोलूँ, एक तो ना जब ये बंदे रिव्यूज़ बनाते हैं मुझे हंसी भी आती कई बार, तुम इंडियन सड़कों से एक जर्मन गाड़ी को कंपेयर मार रहे हो और बोल रहे हो कि यहाँ पे सब कुछ ऐसा है, सस्पेंशन खराब हो जाती है, ये हो जाती है, पोलो की सस्पेंशन कैसी है, और कुछ लोग ना जान के खड्डों में डालेंगे। अब तुम्हें पता है कि तुम्हारे 10 मीटर पे आगे खड्डा, वो स्पीड ब्रेकर है, खड्डा आने वाला है, तुम स्पीड ब्रेकर नहीं देखो, खड्डा देखो, तुम सीधा गाड़ी धराम करके मार दोगे उसमें, तो गलती तुम्हारी है ना यार, स्पीड ब्रेकर की गलती नहीं है, उसमें खड्डे की गलती नहीं है। देखो हमने खड्डे देख देख के यहाँ तक जिंदगी निकाली है, खड्डे कभी खत्म नहीं होने वाले, खड्डे बढ़ती का नाम चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। तो मैं तो इस गाड़ी को इम्प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं बोलूँगा, और जितने भी पोलो लवर्स हैं ना भाई, सपोर्ट करना, तुम्हारे लिए पक्ष में भाई खड़ा, और मैं खड़ा ही रहूँगा, तत्पर रहूँगा, ये गाड़ी को हम ऐसा तैयार करेंगे ना, ऐसा मॉडिफिकेशन करेंगे, मतलब कुछ नहीं ताम झाम नहीं, स्टिकरिंग व्रिकिंग वो सब नहीं, मतलब सलीकेदारी रखेंगे गाड़ी को और बेहतरीन बनाएंगे, बस थोड़े से जो नए अपग्रेड है ना 2022 के वो मारेंगे इस पे, क्योंकि 2023 में तो हमें देखने को मिलेगी नहीं गाड़ी, सिर्फ जिनके पास है उन्हीं के पास होगी, बाकी सब हमें देख के खुश हो जाना। हम कभी 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 टेस्ट ड्राइव दे दिया करेंगे कि गाड़ी चलती कैसी है। अपना मॉल आ गया, यहाँ नहीं जाना, इनऑर्बिट जाना है, इनऑर्बिट जाएंगे। सो अगर टाइम मिला तो आज आपको इसके 0-100 भी बताऊंगा, 0-100 कितना फास्ट होता है इसका, अगर टाइम मिला तो, बैक रोड पे अगर सड़क खाली रही, वरना किसी को मारना थोड़ा, किसी की जान थोड़ा लेनी है हमें। जैसे हम लोग बैक रोड पे आ गए हैं, अगर यहाँ तो रोड खाली मिली ना तो मैं 0-100 करूंगा, बिकॉज अपने को मॉल के लिए लेफ्ट ही लेना, तो अगर ये तो खाली हुआ तो ही आपको बताते हैं कि 0-100 कैसे जा रहा है। नहीं यार स्पीड ब्रेकर आ ही जाएगा बीच में, चलो ट्राई मारते हैं। तो गाड़ी अपनी अभी डी मोड पे है, एस मोड पे नहीं डालेंगे, ट्रैक्शन कंट्रोल अपना ऑफ है ऑलरेडी, तो एक ट्राई मार के देखते हैं कैसे आता है। पीछे गाड़ी आ रही, गाड़ी जाने देता हूँ, वरना भाई कोई निपट जाएगा मेरे पे, ब्लेम आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे आप ये देखोगे कि सामने देखोगे, तो एक काम करो आप यही देखो, ओहो भाई ज्यादा ही हुआ, स्पीड ब्रेकर आ गया इसका, जो ये है ना आरपीएम वाला तो भागता है ऐसा, और 6 पे क्रॉस कर जाता है आराम से अभी भी। यहाँ ना ये पता क्यों जानबूझ स्पीड ब्रेकर लगाए हैं, यहाँ पे लड़के ना बाइकर्स आते हैं, अभी दिखाता हूँ दोबारा, अभी एस मोड पे करके दिखाता हूँ। सीधा पार, नदिया पार, इसलिए मेरे को डर लगता है, इसलिए मैं इसको ज्यादा भगाता नहीं हूँ, गाड़ी की ना माँ बहन एक हो जाती है, और तेल की सुई ना डरा देती है कि भाई अब तेरी कहानी खत्म है, तो इसलिए हम ज्यादा पंगे नहीं मारते इससे।
पावर तो बहुत है इस गाड़ी में भाई। मैं वीडियोस देखता हूँ ना, जो लोग मतलब ड्रैग रेस वगैरह कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, बड़ी गाड़ी के साथ कर दिया, किसी उस गाड़ी के साथ कर दिया, ये खाली है भाई, ये खाली है, यहाँ करके देखते हैं। डी पे डाल दिया वापस। मजा आ गया भाई, फील नहीं होता, ऐसा लगता है रॉकेट में बैठे हो तुम, जुप। और ये तो मैं सिर्फ यहाँ पे भी रोड पे कर रहा, जब हाईवे पे हो ना और डी मोड पे तुम चल रहे हो, ऑलरेडी सेवंथ गियर पे आ गई है, सेवंथ गियर पे एकदम से, इसका मतलब कि एक्सीलरेटर डाउन करके सीधा एस मोड पे डालो, जुप, और सीधा 100 से 120 140 और आरपीएम तो उस टाइम 6-7 पार कर रहा होता है भाई, जहाज है जहाज, इसको इसलिए मिनी रॉकेट बोलते हैं। मैंने तो इसका नाम लड्डो नानी रखा हुआ है, मतलब ठीक है, अपने को खुशी मिलती है। चलते हैं, आज के लिए बहुत हो गया भाई ये, वरना गाड़ी खराब हो जाएगी, सर्विस में मां बहने को जाएगी, क्योंकि अपने को यार जब ये सब काम करने ही नहीं है, क्यों अपने को कोई सेकेंडरी गाड़ी छोड़ना पड़ी, यही है अपने पास, यही हमें घुमा रही है, यही व्लॉग्स बना रही है, यही सब कुछ कर रही है। ओके, मॉल वॉल में तो जरूरत नहीं है, मास्क वास्क रिस्ट्रिक्शन हट गई है सारी, तो अभी आप मस्त तरीके से अंदर जाओ। और अभी फास्टैग भी लगा दिया उन्होंने, तो अभी कैश की जरूरत नहीं। पहले तो मेरा फास्टैग चलता ही नहीं था यहाँ पे, इतना इरिटेट होता था मेरे को, इतना इरिटेट होता था ना कि हर बार जब भी फास्टैग चल नहीं रहा, फास्टैग चल नहीं रहा, दिमाग खराब हो जाना, वहां नहीं तो यहाँ नहीं, यहाँ मैं, मेरा पैर टूटा था ना, मेरे को पता नहीं था कि हैंडीकैप और डिसेबल्ड बेचारों के लिए अलग से जगह बनी होती है, तो मैं जब ठीक हो गया तो मैं फिर रिग्रेट करने लगा। हाँ, क्या करना चाह रहे हो तुम? अबे यार, ये जगह है क्या? और बात इतनी बदतमीजी से करते ना कुछ लोग, जैसे इनके बाप के नौकर है हम। भाई कहाँ लेगी गाड़ी, कहाँ लेगी गाड़ी, वो भी बोल रहा कहीं भी डाल दो, बोलता कहीं भी डाल दो। बावरे हो गया, बावरे। तो जिस काम के लिए आए तो काम तो हो गया, क्यों यूनिफाई भाई, काम तो हो गया ना। ओके, तो मैं भी अपने लिए कुछ देख लेता हूँ, है ना, ऊपर सब ऊपर है, सब ऊपर ही जाएंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया है यार यहाँ पे, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा लगता है, पर वही बात, इतनी जगह कहाँ कहाँ डालें यार। ये कैसी टी शर्ट चाहिए थी मेरे को? हाँ, ये साइज अपना है, यस, यो ब्रो, फाइनली काफ़ी दिनों बाद एक अच्छी टी शर्ट मिली है, जिसकी ना से पाड़ देंगे हम। पिंक करने मतलब आओ ना कुछ सामान कुछ करने, रिटर्न या कुछ, तो और कुछ पसंद आ जाता है। अब ठीक है, पैसे वापस मिले हैं, कुछ ना कुछ तो ले ही लेंगे ना, टी शर्ट्स वी शर्ट्स इससे अच्छी लगती है, सब कलर्स की का तो ले लिए हैं, जो वापस करना था वापस कर दिया, उसका ये जुड़ गया। यहाँ पे एक ब्रांड दिखा मेरे को, हैगन डैज, मतलब प्रोनाउंस कैसे करेंगे, हागन की हैगन, पर हिंदी में तो भाई ज़िंदगी ख़त्म है, हगन दाज, हगन, ये हिंदी में मत लिखा करो भाई, बहुत शर्म आती है यार, सीरियसली। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मॉल में आओ कोई चीज़ वापस करने और रिटर्न में जाते हुए कोई और चीज़ लेके ना जाओ, ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं मेरे साथ। अब ठीक है ना, 30 दिन से पैसे जो सेव पड़े हुए थे इसको वापस करके वही पैसे वापस मिल गए, तो दिमाग यूज़ करना चाहिए ऐसे जगहों पर, बहुत फ़ायदा होता है। वैसे तो ज़ारा भी बोलता है 30 दिन लो, कपड़े लो, पहनो, फोटो खींचो, आ जाओ, बहुत लोग करते हैं ऐसा, मैंने देखा है, फोटो वोटो चाहते हैं, कपड़े लेते हैं, कपड़े वापस करते हैं, पर अपने मुझे पसंद आ गया मैं वापस नहीं हो सकता, वो सॉरी। तो जी अपना मॉल का सारा काम हो गया, कुछ पेट पूजा करने की वो भी कर लिया, भूख बहुत लगी थी, और बीच में एक दो को गाड़ी के लिए वार्तालाप करने थे वो भी कर लिए, पापा से स्पेशली कर लिए मैंने, कि अपने को तो गाड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशन करवानी है, तो अभी पापा की सलाह बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि पापा इंश्योरेंस डिपार्टमेंट से हैं, और हम भी फिर उन्हीं के बेटे हैं, उनको पूछे भी ना तो काम करेंगे नहीं कोई भी, तो अभी सोच विचार चल रहा है क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, बाकी पोलो सिटी जिंदाबाद, तो अभी फटाफट चलते हैं घर, चलते हैं, गर्मी पहन के नीचे उतरते, इतनी गर्मी लगती है ना, ये भैया खुद बता रहे थे बहुत गर्मी बहुत लगती है ना नीचे, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है भाई। और इस मॉल की सबसे बढ़िया खासियत पता क्या है? इसका व्यू, ये ना पूरा मतलब इंटरनेशनल टाइप फील था, जब रात को गाड़ी सारी पार्क हो जाती है यहाँ पे, और ये बिल्डिंग भाई सपना है, यहाँ पे कभी ना कभी तो फ्लैट लेंगे इन तीन दिखाड़ा काम बिगाड़ा वाली बिल्डिंग में, अच्छी बिल्डिंग लगती है मेरे को बहुत। और तीनों पता ऐसे बनी है कि किसी का भी सी व्यू ब्लॉक ना हो, मतलब वो ऐसे 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 करके बनाई गई हैं। चलो चलें। मौसम मेरे को ना इन बेचारों में बहुत दया आती है भाई, लोगों पे अपने सिक्योरिटी वाले जो खड़े होते हैं ना, सारा बेचारे धूप में इतनी कड़ी मेहनत करके लगे रहते हैं बेचारे, काम गाइस, काम, हर इंसान काम के पीछे पैसे के पीछे भागा ही हुआ है, और इसी भागदौड़ में हम भी लगे ही हुए हैं। तो ये ऐसा इसलिए बोलते हैं, जब कोई मेहनत कर रहा हो, आप लोग व्लॉग कहीं ना कहीं से देख रहे हो, शेयर मार दिया करो, फटाफट शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो, ठोक दो, पूरी दुनिया में फैला दो कि भाई ऐसा कोई है, क्या है, डम्बाल यहाँ है, यहाँ है। तो अभी ये निकाल रही 11.2 की,
समझ नहीं आता यार कभी कभी, मतलब कभी ज्यादा निकाल देती है कभी कम निकाल देती है। अभी 11 दिखा रही है, मतलब 11 तो मेरे लिए बहुत है यार, मतलब 11 मतलब सिटी के अंदर जीटी गाड़ी जो अपनी पोलो है ये एवरेज निकाल दी है ना, मतलब मेरे लिए। और 25 पे अपना एसी चल रहा है और एसी ऑटो पे रहता है अपना हमेशा, बिकॉज मुंबई की गर्मी ऊपर नीचे होती रहती है तो पंखे की स्पीड हमसे नहीं संभाली जाती भाई। तो 11 की यार इज नॉट बैड, मतलब खुश हूँ मैं। पर पहले आई थिंक मैंने रीसेट नहीं मारा था ना, अभी किस दिन पता है करेंगे, जिस दिन तेल फुल करवाएंगे ना अभी जब भी नेक्स्ट ट्रिप होगा तब रीसेट मारेंगे पूरी एवरेज को, फिर काउंटर निकालते हैं कि कितना एवरेज निकालती है ये साला। यहाँ पे यार ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है, मतलब थुकना टुकाना लोगों का ही है आगे पीछे। अबे यहाँ टुक गया, वो बंदा सिग्नल पार कर गया, उसको टेंशन नहीं है भाई, उसकी गलती है। और ये बेचारे गिर गए, वो देखना कैसे वॉक टू रिमेम्बर करके गया है, क्या आखिरी जिंदगी है भाई। भाई बड़ा खतरनाक पंगा का ले लिया मैं जब जा रहे हैं। लिफाफा तो ऐसे लगा के रखे ऐसे, पता नहीं क्या कर लेंगे लोग। तो भाई बाहर मतलब तापमान जो है ना, मतलब समझ रहे हो, मतलब मैं यहाँ पे हाथ अगर मेरे कोई मेटल वो होता ना, मतलब टेम्परेचर चेक करने वाली चीज़, मैं चेक कर पाता कि बाहर कितनी गर्मी है। तो मैंने आते सबसे पहले चेंज किया, नहाया सबसे पहले, तो भाई ना बाल इसलिए टोपे नहीं, बाल चेक नहीं है अभी। तो मैंने दो ही टी शर्ट ली, मैंने दो वापस करनी थी तो उसी में दो मिल गई मेरे को अच्छी वाली। तो नए कपड़े की खुशबू अलग होती है ना। तो ठीक है गाइस, इसी के साथ आज के वीडियो को समाप्त करेंगे हम लोग। और जैसे भी जो भी जीटी का अपने का जो भी प्लान होगा मॉडिफिकेशन का, जो भी मैं चेंजेस वेंजेस कराऊंगा, पहली गौरतलब बात ये कि पहले बात तो मैं घर से पूछे बिना कुछ काम नहीं करूंगा, बिकॉज मेरे को डांट बहुत पड़ती है बाद में। बड़े हो गए हैं, 29-30 साल के हो गए, पर मार बहुत पड़ती है आज भी, मतलब डांट, और वो हमें थोड़ा सा डर आज भी रहता है, वो रहना चाहिए, हमेशा रहना चाहिए। तो जो भी प्लान होगा जैसा भी होगा, आप लोगों को तो बस व्लॉग देखने सपोर्ट करना है। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, मतलब जल्दी कभी तो चालू होगी स्पीड अपनी, तो जैसे जैसे अपना ट्रैवल अपडेट्स शुरू हो जाएंगे अपन ब्लॉग वैसे से बनाना शुरू कर देंगे। तो टेक केयर, लव यू, जय माता दी, सत श्री अकाल, राम राम। अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।